नमस्कार, मैं निशा, आप देख रहे हैं बिग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अदालत कार्यवाही में सुस्ती पर थाना अध्यक्ष पर सीधी कार्रवाई होगी। यह बातें समाहरणालय सभागार में आयोजित अपराध गोष्ठी में एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने सभी थाना अध्यक्षों से कही। उन्होंने कहा कि मामले के त्वरित निष्पादन के लिए हर पुलिस अधिकारी काम करे, जरा सी सुस्ती पर अब कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल से ही कोर्ट में मामला काफी बढ़ गया है, जिस पर पुलिस पदाधिकारियों को समय पर कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि फरार अभियुक्त के खिलाफ वारंट जारी कराकर उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। साथ ही लंबे समय से फरार मुजरिम के खिलाफ कोर्ट से कुर्की की नोटिस तामिला करने में भी तेजी लाना है। अगर इन सब मामले में पुलिस अधिकारी या थाना अध्यक्ष लापरवाही बने रहे तो उनकी थानेदारी भी जा सकती है। एसपी ने सभी थाना अध्यक्ष को नियमित रूप से वाहन जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि मानक के अनुसार जुर्माना लगाना सुनिश्चित करें, साथ ही बेवजह लोगों को परेशानी ना हो इसका भी ध्यान रखें। एसपी ने बताया कि जिले का 3 भाग झारखंड से जुड़ा है, ऐसे में शराब की तस्करी हो रही है। शराब तस्कर के खिलाफ पुलिस को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। अगर किसी भी जगह से शराब की बरामदगी होती है तो चौकीदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह के बाद सरस्वती पूजा होने जा रहा है, ऐसे में डीजे बजाने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। इस मौके पर एसपीओ दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, वेलर एसडीपीओ प्रेम सिंह, मुख्यालय डीएसपी संजय कुमार, टाउन थानाध्यक्ष सुबोध राय, धौरैया थानाध्यक्ष महेश्वर राय, अमरपुर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय सहित सभी थानेदार मौजूद थे। विगत कुछ वर्षों में हम लोगों का नाम नहीं करते, आप अपने फरारी पंजी में उसका नाम भी नहीं लिखते। अगर उस आदमी का नाम लिखा होगा फरारी पंजी में या तो सुप्रीम वारंट उसका वारंट मुख्यालय में कहा, आप लोग अगर कुर्की करते हुए सबमिट भी करते हैं तो जो ट्रेंड हो गया है विगत कुछ वर्षों में हम लोगों का नाम नहीं करते, आप अपने फरारी पंजी में उसका नाम भी नहीं लिखते। अगर उस आदमी का नाम लिखा होगा फरारी पंजी में या तो सुप्रीम वारंट उसका वारंट। बांका एसडीओ मनोज कुमार चौधरी एवं अमरपुर बीडीओ राकेश कुमार के द्वारा शहर में चलाई गई छापेमारी अभियान में 1 दर्जन ओवरलोड ट्रक व हाईवा जब्त करते हुए थाना परिसर लाया गया। जब्त वाहनों में क्षमता से अधिक बालू व छर्री लदी हुई थी, जिसे विश्व भ्रमण चक गांव स्थित वॉरियर के समीप जब्त किया गया। छापेमारी अभियान में बीडीओ राकेश कुमार, बांका एसडीओ मनोज कुमार चौधरी, बांका डीटीओ खनन पदाधिकारी महेश्वर पासवान, अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय समेत पुलिसकर्मी मौजूद थे। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि जब्त वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अमरपुर थाना क्षेत्र के बलिया गांव में अमरपुर थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार राय एवं अवर निरीक्षक रामाश्रय प्रसाद के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी के फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना परिसर लाया गया। गिरफ्तार युवक बलिया गांव निवासी प्रीतम मंडल बताया गया। थाना अध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार युवक पर 6 वर्षीय बच्ची के साथ छेड़छाड़ी करने का आरोप में विगत 25 जनवरी को अमरपुर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। मामले में युवक फरार चल रहा था। गुप्त सूचना मिली कि युवक अपने घर आया हुआ है। सूचना मिलते ही युवक को इनके आवास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवक के अमरपुर अस्पताल में कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में बांका भेज दिया गया है। अमरपुर के डुमरावा में चल रहे डीसीए चैलेंज कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में गंगापुर गड़ेल ने टिंकू 11 अमरपुर को रोमांचक मुकाबले में 9 रन से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया। टिंकू 11 ने टॉस जीतकर पहले गंगापुर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। गंगापुर ने निर्धारित 16 ओवर में 6 विकेट खोकर 194 का स्कोर खड़ा किया। गंगापुर की ओर से सूरज ने 9 छक्के की मदद से 63, संजीव ने 36, सोनी ने 23 रन बनाए। टिंकू 11 की ओर से दीपक ने 3 और विकास ने 2 विकेट लिए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टिंकू 11 की निर्धारित ओवर में 9 विकेट पर 185 रन ही बना सकी। टिंकू 11 की ओर से सोनू ने 11 छक्के की मदद से 85 रन, मनीष ने 40 रन बनाए। गंगापुर की ओर से शहजादा ने 3, साहिब और सूरज ने 2-2 विकेट लिए। मैच में अजय शर्मा एवं संजीव कुमार ने एम्पायरिंग की, जबकि शंकर सुमन एवं अनिकेत कश्यप मानिक मिश्रा ने हिंदी में, जबकि सहवाज आलम और अमितेश सिंह ने अंग्रेजी में कमेंट्री सुनाई। इस अवसर पर गोविंद गोपाल शर्मा, अर्जुन चक्रवर्ती, कामेश्वर शाह, प्रदीप शर्मा, कुंदन कुमार, सौमित्र चटर्जी, शेखर तपस्वी, संजीव शर्मा, रविंद्र राय, बजरंगी रजक, सोनू चटर्जी, छोटू सा, अमल दास सहित भारी संख्या में दर्शक मौजूद थे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।